ઝારખંડમાં ચંપઈ સરકારનો આજે ફ્લોર ટેસ્ટ થશે। ઝારખંડમાં આજે ચંપઈ સરકારનું શક્તિ પરીક્ષણ। ચંપઈ સોરેન સરકાર વિધાનસભામાં ફ્લોર ટેસ્ટનો સામનો કરશે। इस तरह से लॉकडाउन हुआ पूरा भारत वर्ष में, जो जहां पर रह गया वहीं पर रह गया महोदय, कोई आने का कोई मौका नहीं मिला। उन मजदूरों का बहुत सा संकट स्थिति पैदा हुई। संपूर्ण लॉकडाउन, सेमी लॉकडाउन, दो अढ़ाई तीन महीना तक आदमी बड़ा, सबसे बड़ा दिक्कत उस समय। लेकिन यहाँ के युवा सम्राट हेमंत बाबू ने किसी प्रवासी मजदूर को किसी तरह का तकलीफ नहीं होने दिया। बस से ट्रेन से लाके जो चप्पल और लुंगी पहनते थे मजदूर, हवाई जहाज से लाने का भी काम किया। दो साल तक कोरोना से प्रभावित हुआ। हेमंत बाबू के नेतृत्व में 4 साल हुआ। 4 साल के अंतर में जो आज एक झारखंड प्रदेश को देश के कोने कोने के आदमी सुनते हैं, देखते हैं कि यह झारखंड एक खनिज संपदा और धनी प्रदेश और सोना का चिड़िया के रूप में देखते हैं। इतना धनी प्रदेश और यहाँ का जहाँ खनन हम सब कोई पैदा नहीं हुआ था, 150 साल पहले से यहाँ खनन होते हैं। मेजर खनन, आयरन, कोयला, बहुत सा यहाँ बात आते हैं कि यहाँ खनन का घोटाला। लेकिन एक भी यहाँ का आदिवासी मूलवासी किसी में एक आयरन और भी एक इतना बड़ा आयरन और का पत्थर को भी नहीं छुआ है। और यहाँ का खनिज संपदा गुजरात, बंबई, महाराष्ट्र, दिल्ली में उपयोग हो गया। उससे क्या प्रभावित हुआ है? यहाँ का आदिवासी मूलवासी उसमें उद्वास्तु हुआ, विस्थापित हुआ।